नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रेन चलता है उसका जो सप्लाई है वो एसी है या डीसी है। अगर एसी है तो ये सिंगल फेज पे कैसे चलता है, और एसी सप्लाई अगर सिंगल फेज हुआ तो उसमें थ्री फेज मोटर हमारा कैसे चलता है, तो उसी बारे में वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सबने देखे होंगे कि ट्रेन के ऊपर में जो वायर जाता है वो 25 KV का होता है, जिसमें 25,000 वोल्ट फ्लो करता है। तो उसी के ऊपर में ट्रेन के जो इंजन है, इंजन के ऊपर में एक पैंटोग्राफ लगता है, जिसको आप करंट कलेक्टर के सारा समझ सकते हैं। जो हमारा वोल्टेज ऊपर में है वो उसको टच होके वोल्टेज उसके अंदर जाता है। तो उसका जो रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक बहुत जगह पे देखे होंगे कि उसको जगह जगह में अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग जो करते हैं उसको, वो हमारा न्यूट्रल के तौर पर यूज होता है जो रेलवे ट्रैक है पूरा। और जो ऊपर जो है वो हमारा एक फेज के तरह यूज होता है, जो है हमारा सिंगल फेज 25 KV का। मतलब एसी सप्लाई हमारा ट्रेन में यूज होता है। बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, हमारा ट्रेन में एसी सप्लाई है कि डीसी सप्लाई है। तो हमेशा याद रखिए कि ट्रेन में हमारा जो यूज होता है वो हमारा एसी सप्लाई है, क्योंकि एसी सप्लाई का खर्चा कम है ज़्यादा ट्रांसमिशन करेंगे तो। डीसी में थोड़ा खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से अगर हमारा ट्रेन का ये इंजन है तो ट्रेन के नीचे जो पटरी है वो पटरी हमारा नेगेटिव जो न्यूट्रल की तरह काम करता है, और जो ऊपर में जो है वो हमारा हो गया सिंगल फेज का। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा पैंटोग्राफ के थ्रू यहाँ पे हमारा सर्किट इस तरह से कंप्लीट होता है। तो उसके अंदर में सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो ये हो गया हमारा जो लाइन ऊपर, उसके ऊपर में दो लाइन रहता है जिसमें एक फिक्स रहता है, तो उसमें से हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं जो सबस्टेशन से। और यहाँ पे देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर के आगे हमारा एक रेक्टिफायर सेक्शन लगा हुआ है जो डीसी सप्लाई बनाता है वो सिंगल फेज से, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद ये लगा हुआ है वो जो डीसी सप्लाई से, फिर इन्वर्टर सेक्शन लगा के हमारा मोटर लगता है। मोटर हमारा थ्री फेज में लगा सकते हैं, एक सिंगल फेज में लगा सकते हैं। तो हमारा ज़्यादातर थ्री फेज ही लगता है ट्रेन के मोटर में। तो ये जो सिस्टम है ये दो लगता है, क्योंकि अगर एक रास्ते में खराब हो गया तो दूसरे में ट्रेन हमारा चल सके। तो इसी तरह के दो पैंटोग्राफ और दो सिस्टम लगाया जाता है, तो कहीं अगर रास्ते में खराब हो गया तो दूसरे में हम ट्रेन को चला के ले सकते हैं। तो ये क्या होता है कि मोटर का जो थ्री फेज मोटर तो इस सप्लाई से चल गया, तो उसके आगे हमारा गियर बॉक्स लगा रखता है, गियर बॉक्स से ये मोटर को आगे खींचता है। ऐसा नहीं कि एक मोटर लगा हुआ है, बहुत सारे मोटर लगा हुआ है, आफ्टर टाइम चलता है सारे मोटर, तो ये उसको खींच के ले जाता है आगे। तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये जो इसका जो इंजन है सिर्फ इंजन में ही सप्लाई रहता है, और इंजन का हर जो पार्ट है वो इंसुलेटेड रहता है। मतलब आउटर साइड से इनर साइड और आउटर साइड पूरा इंसुलेटेड रहता है, तो कोई ऑपरेटर या फिर कोई टच करेगा तो उसको शॉक नहीं लगता है। और उसका जो अर्थिंग सिस्टम है बहुत तगड़ा है, और अर्थिंग की वजह से वो हमारे को शॉक नहीं लगता है किसी को, या ऑपरेटर को शॉक नहीं लगता है। तो ऊपर से डायरेक्ट पैंटोग्राफ से 25 KV अंदर आता है, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन का, उसमें स्टेप डाउन होता है, फिर उसके बाद रेक्टिफायर सेक्शन में जाके वो डीसी बनता है, डीसी से फिर जो इन्वर्टर सेक्शन है उसमें एसी बन के थ्री फेज जो सप्लाई जो एसी हो गए, उसके बाद मोटर कनेक्शन करके मोटर चलता है। तो इसी वजह से ट्रेन में हमारा सिंगल फेज देके थ्री फेज मोटर भी चला सकते हैं। तो आप इसको अगर घर में ट्राई करेंगे तो घर में सिंगल फेज मोटर को, सिंगल फेज सप्लाई से आप थ्री फेज मोटर भी चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं VFD लगा के। तो इसी तरह से ये ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और इन्वर्टर को लगा के सिंगल फेज एसी से हमारा थ्री फेज एसी बनाया जाता है। तो उसके बाद मोटर थ्री फेज मोटर का होता है, तो उसमें से हमारा थ्री फेज मोटर रनिंग करता है। तो ये बहुत सारे सवाल आता है कि जो ट्रेन में हमारा, तो हमेशा याद रखिए कि ट्रेन में हमेशा एसी यूज होता है, क्योंकि उसका जो रनिंग कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इतना सारा कॉस्ट है वो सब एसी से कम हो जाता है। डीसी सप्लाई अगर करेंगे तो रास्ते में डीसी अगर स्लो हो गया, लो हो गया वोल्टेज, तो उसको स्टेप अप करने के लिए आपको बहुत सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा डिवाइस, मतलब उसका रेक्टिफायर, फिर से इन्वर्टर, बहुत सारे सिस्टम लगाना पड़ता है। एसी सप्लाई से क्या होगा कि सबस्टेशन में सिर्फ ट्रांसफार्मर लगा देने से आपका जो थोड़ा थोड़ा जो कम हो गया होगा वोल्टेज, तो वो बूस्टअप होके आपका बहुत कम पैसे में वो आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे।